क्या सुना क्या नहीं कुछ पता नहीं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमको इतने सुंदर भागवत सुनने मिलती है, इतने सुंदर ज्ञान मिलता है। मैं फिर से प्रभु जी को धन्यवाद दूंगा कि वो पिछले 18 सालों से निरंतर एकदम विदाउट फेल सिर्फ और सिर्फ हम सभी को वो शुद्ध ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी हम सभी को लालसा होनी चाहिए। और ये जो शिष्टाष्टकम जो प्रभु जी अभी प्रयास करेंगे पिछले और बच्चे को 8 दिनों में बोलने का, मेरा सभी से आग्रह है समय पर आइए और सुनने का प्रयास कीजिए। आप सभी के लिए बहुत सुंदर प्रसाद का व्यवस्था किया है, तो ये मन में छोड़ दीजिए या भूल जाइए कि घर जाकर को प्रसाद बनाना है। बहुत सुंदर कथा है, सुनिए, इस ज्ञान को अर्जित कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। और जैसे प्रभु जी ने हमेशा कहा कि भागवत का सार है सेवा, हम सभी को सेवा सीखनी चाहिए। अगर हम सिर्फ आएंगे सुनेंगे और घर चले जाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। सेवा ही भक्ति का सार है। तो मैं फिर एक बार प्रभु जी से प्रार्थना करूँगा कि अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रेरित कीजिए। जिस तरह से आपने हमेशा अपना प्रयास किया है हम सभी को ज्ञान देने का, वही ज्ञान सभी को दीजिए। और सभी के चरणों में प्रार्थना है कि इस ज्ञान को लेने के लिए अपने पात्रों को खाली कीजिए, क्योंकि भरे हुए पात्र में कुछ नहीं आएगा। मन बुद्धि अहंकार को छोड़ दीजिए, अपनी बुद्धि मत लगाइए। जो भागवत कह रहा है, जो शिष्टाचार में चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। जेतु दर्पणा मानिए, सभी को इस श्लोक से सीखना चाहिए कि किस तरह से हमको अपने मन का मैल साफ करना चाहिए, किस तरह से हमको मन बुद्धि अहंकार जो हमेशा हम सभी के दुख का कारण है, इसको किस तरह से त्यागना चाहिए, इसको सीखने का प्रयास कीजिए। और प्रभु जी जितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं इसको प्लीज एक्सेप्ट कीजिए और अपने जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को सुखी बनाने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण।